आप देख रहे हैं राज के नाम समर्पित ओटीटी इंडिया और आपके साथ मैं हूं फिजा काजमी। केंद्र की मोदी सरकार अब EWS यानी इकोनॉमिकली वेकर सेक्शन आरक्षण को बढ़ाने का फैसला ले सकती है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट को केंद्र ने बताया है कि वो क्रीमी लेयर की लिमिट बढ़ाने वाली है। अभी वर्तमान में क्रीमी लेयर की सीमा 8 लाख है, लेकिन अब सरकार इसे बढ़ाने वाली है। 4 हफ्ते के अंदर इसको लेकर कोई बड़ा फैसला हो जाएगा। केंद्र ने कोर्ट को बताया है कि अब वो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग वाले क्राइटेरिया को बदलने जा रही है। अभी तक जिस उम्मीदवार के परिवार की इनकम साल की 8 लाख से कम थी उसे EWS में रखा जाता था, लेकिन अब यहीं पर बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। सरकार इस 8 लाख वाली लिमिट को ही बढ़ाने जा रही है। 4 महीने के अंदर केंद्र की मोदी सरकार इस पर फैसला ले सकती है। इस फैसले के लागू होते ही एक बड़े वर्ग को फायदा पहुंचेगा और सभी को समान अवसर भी मिल पाएंगे। अभी के लिए ये नहीं बताया गया है कि सरकार इस क्रीमी लेयर में कितना परिवर्तन करने जा रही है, लेकिन कुछ लोग अगर 10 लाख वाले क्राइटेरिया को लागू कराना चाहते हैं तो कुछ 12 लाख तक की मांग कर रहे हैं। अब सरकार किस तरफ झुकती है 4 हफ्तों के भीतर ये साफ हो जाएगा। इससे पहले भी इस दिशा में कई बार सरकार ने अपने कदम बढ़ाए हैं। पहले एक कमेटी बनाई गई थी जो कि इस तथ्य का गहराई से अध्ययन कर रही थी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, OBC, दिव्यांग कैटेगरी के लोग सरकारी वैकेंसी क्यों नहीं भर पा रहे हैं। कमेटी से इस बाबत सुझाव भी मांगा गया था। उन सुझाव के आधार पर ही क्रीमी लेयर में बदलाव करने पर अब सहमति बन गई है। अब सुप्रीम कोर्ट में भी केंद्र ने अपनी नीति स्पष्ट कर दी है। अब सरकार का ये फैसला इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि इसका सीधा ताल्लुक नीट PG की काउंसलिंग से भी जुड़ा हुआ है। दरअसल नीट काउंसलिंग 2021 में EWS आरक्षण को लेकर विवाद चल रहा है। कोर्ट ने केंद्र को कहा था कि वो 8 लाख रुपए सालाना आय के फैसले पर फिर विचार करें। अब उसी आदेश के बाद केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि वो क्रीमी लेयर की सीमा बढ़ाने जा रहा है। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए OTT इंडिया के साथ। रग रग में हिंदुस्तान।